अरे काहे का भगवान यार, कमाल है, भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान भगवान कैसी बात कर रहे हो? यहाँ सम्मुख ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता मैं और फांसी पे चढ़ता राम। राम बोले तो आदमी नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से राम राम एक अच्छे मनुष्य थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। एक वकील साहब का कहना है कि राम कोई भगवान नहीं, जिसने अपनी ही पत्नी पर शक किया वो कैसे भगवान हो सकता है। राम ने शंभुक ऋषि का वध किया है और आज के दिन राम जिंदा होते तो उस पर केस चलाता और आज राम की फांसी होती। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो को, उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब इस पर क्या जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे काहे का भगवान यार, कमाल। सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो, है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का रूप देना होगा, समझ रहे हो ना? अरे काहे का भगवान यार, कमाल है, भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मान रहे हो तुम? कैसी, किसने माना राम को भगवान? मतलब इंसान है, वो इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था। कि यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता मैं, दलित मर्डर मर्डर केस चलता उस पर शंभुक ऋषि के हाथ पे, समझ रहे हो ना? राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का बंधन लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम आज की। अल्लाह बोले तो आप बोले तो पाप जाता है, ला बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम अल्लाह है। ये आपका डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। राम बोले तो पाप जाता है, माँ बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेख नहीं है, रूपरेख मानने वाला गार नहीं है। गार ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गार एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गार, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गार। वो बुलाए तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम्न नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदान्ते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल हिम अ वैरायटी ऑफ नेम्स। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक गॉड है, डॉक्टर जाकिर नायक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं। मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा, इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ यू से दैट राम इज एन अवतार, औ अंतर मीन्स सेंट फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड, इफ यू से दैट आई हैव गॉट नो ऑब्जेक्शन। इफ यू से राम इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, मे बी ही इज, मे बी इज नॉट, बिकॉज our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe is, maybe is not. I cannot say for sure. But even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. Today, all the human beings, whether they live in India, whether America, whether Canada, whether UK, whether Saudi Arabia, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I am not saying this. It is your scripture. Agar aap padhenge aapki kitab, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. In Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9.
speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one who praises. One who praises is called as Ahmad. He is mentioned as Ahmad. If you read in Psalm Ved, Uttarchik, mantra number 1500. In Psalm Ved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharvaved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharvaved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. He is mentioned as Ahmad. He is mentioned as Narashansa. Narashansa means, Nar means man, Shansa means praise. A man who's praiseworthy. If you translate into Arabic, it is Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. In Rigved, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rigved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rigved, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rigved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rigved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rigved, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. Rigved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2. Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scriptures about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar. That his mother's name will be Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Yash, that's Abdullah. He'll be born in a place of peace, Sambala, that is Makkah. He'll be born in the family of the chief of the village of Sambala, that is chief of Makkah, that is Quraysh. He'll have four companions, talking Khulafa Rashidin. On and on, if you really believe in your scriptures, you have to follow and believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Do you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? Kya aap Muhammad sallallahu alaihi wasallam mein mante? Main manta hai. Ke wo paigambar hai? Main paigambar ko manta hai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam paigambar hai mante? Paigambar manta hai. Paigambar one kind of God. Kyun wo one kind of God ne? One kind of messenger of God. God bole to galat hai. गॉड बोले तो गलत है. मैसेंजर ऑफ गॉड बोलिए. मैं 2,63,00,000 राम 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 लिखा, लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं. क्यों? बराबर. द ब्रदर सेड ही रोड 20,000,000 टाइम्स राम राम राम, बट राम हैजंट कम टू हिम येट. सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, बिलीव in one and only creator Allah subhanahu wa ta'ala and believe in all his messengers as well as the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.